Good morning, students. How are you all? I welcome you in ABS online class. So yesterday we have done the lesson number 11, chapter number 11, clothing. Right? Clothing. So we have done A, B and C, and I hope you have written in your notebook. So today we are going to do D part. D part, answer the following questions. Okay, answer the following question, and it is on page number 53. These are very simple question answers because we have read the lesson very thoroughly. So first question is, why do we wear clothes? Hum kapde kyun pehante hain? Yes, think and tell me, why do we wear clothes? It is in the fill in the blanks also. Answer, we beta, it should touch the three lines, okay? Don't write down, touch the three lines. We wear clothes. This will come from the question. We wear clothes to cover our body. अपनी body को cover करने के लिए हम क्या पहनते हैं? Clothes. Why do we wear clothes? Question से ही आएगा, we wear clothes to cover our body. Okay? Now comes question number 2. Which types of clothes are worn in winter? Which type of clothes are worn in winter? Yes, think and tell me. हम सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? हम सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? वूलन. सो व्हाट इज आंसर फॉर इट? वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन winter. Okay, we wear woolen clothes in winter. Now question number 3, which types of clothes are worn in summer? Summer season में कौन से पहनते हैं बेटा? जो हमें ठंडे रखते हैं. Which clothes we wear in summer? We wear cotton clothes in summer. Okay, now come next question. Now come
नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, इन विच सीजन डू वी यूज अ रेनकोट. सो आंसर इज इन रेनी, बारिश के मौसम में. इन रेनी सीजन वी, नो दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क, यू राइट डाउन लाइक दिस. We use from a question a raincoat in rainy, R-A-I-N-Y, rainy season. Now the last question, what do you wear for school? Yes, who will tell me what do you wear for school? Yes, very good. We wear uniform when we go to school. We wear uniform when we go to school. We are going to do a new topic, that is chapter number 12, houses. The very first question arises, what do you mean by houses? हाउसेस क्या होते हैं? सो हाउसेस आर योर होम, घर. ओके, जहाँ हम रहते हैं उनको हम हाउसेस कहते हैं. जैसे पानी, खाना, हवा, कपड़े, बेसिक नीड्स हैं. इन द सेम मैनर क्लोथ, houses are also the basic needs of a human being. And we all need house to live in. So now take out page number 54 of your book and start reading behind me. We all need a house to live in. हम सबको ज़रूरत है घर की ताकि हम वहाँ रह सके. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. अब जो घर है वो हमें बचाता है गर्मी से, सर्दी से और रेन से, बारिश से. तो इसमें हमने टू लाइन्स में क्या पढ़ा है कि वी नीड हाउस, हमें घर चाहिए टू लिव इन, ताकि हम वहाँ पर, लिव का मतलब रहना, ताकि हम वहाँ पर रह सकें. ओके, और दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अ हाउस प्रोटेक्ट अस. हाउस मीन्स घर, प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, रक्षा करना, बचाना, रक्षा करना. किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट से, गर्मी से, कोल्ड, सर्दी से और रेन, बारिश से. सो अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, घर हमें बचाता है गर्मी से, सर्दी से और बारिश से. नाउ नेक्स्ट लाइन,
हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो हमारे घर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल्स माने चीज़ों से बनना, जैसे ईंट पत्थर, ये मटेरियल्स हो गया, सच एज मड स्ट्रॉ वुड बिक सीमेंट आयरन एंड स्टील। तो हमारे जो घर हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, लाइक मड मिट्टी का, स्ट्रॉ जो आपने स्टिक्स देखी होंगी जैसे घास वगैरह, वुड लकड़ी का, ब्रिक ईंट, सीमेंट ईंट के बीच में सीमेंट लगा के, आयरन का एंड स्टील का। सो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स। सो हाउसेस आर मेड ऑफ किस किस से बनता है, फर्स्ट मड से, स्ट्रॉ से, वुड से, सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन से और स्टील से। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिससे घर बनाया जाता है, और जब घर बन जाता है तो हम उसमें रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब आपको कोई सब्ज़ी बनानी है मम्मा ने, तो उसमें मटेरियल इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। सब्जी पड़ेगी हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, सो दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स। लाइक दैट ओनली अ हाउस इज कैन बी मेड ऑफ मड स्ट्रॉ वुड ब्रिक सीमेंट आयरन और स्टील। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमारे पास कितने तरह के घर होते हैं, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं, पक्का हाउस एंड सेकेंड टाइप इज कच्चा हाउस। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। अंडरस्टूड? अब रीड करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप आसपास देखते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, तो हम कई तरह के घर देखते हैं। सम हाउसेस आर बिग, कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, एंड सम हाउसेस आर स्मॉल, कुछ हाउसेस छोटे होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। अब हमने इसमें पढ़ा कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम कई तरह के घर देखते हैं, कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, कुछ घर छोटे होते हैं। सो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। अब कुछ हाउसेस हैं, कुछ घर हैं, वो ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट से और सीमेंट से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। अब पक्का हाउस किस से बना होता है बेटा? ब्रिक से एंड सीमेंट से। पक्का हाउस हमारा बना होता है ब्रिक से और सीमेंट से। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग इन द केस जैसे बारिश आती है, हवा आती है, तूफान आता है, तो इस घर को कुछ भी नहीं होता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? सिटीज में और टाउन्स में। ओके अब पक्का हाउस क्या है? पक्का हाउस किस चीज़ से बना होता है? ब्रिक से और सीमेंट से। ब्रिक को और सीमेंट को, जैसे ये स्पोर्ट्स आपकी ब्रिक है, इसमें हम सीमेंट लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ब्रिक लगाएंगे, तो इस तरह लगा लगा के हमारा हाउस बनता है। ये जो हाउसेस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सिटीज में और टाउन्स में। सम हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और कुछ हाउस बने होते हैं मड से, मिट्टी से और स्ट्रॉ से। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। उनको हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं पर एज स्ट्रॉन्ग नॉट, इनकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। और वो कहाँ पर पाए जाते हैं? विलेजेस में। ओके
सो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं, पक्का हाउस, कच्चा हाउस. पक्का हाउस आपका बनता है ब्रिक से और सीमेंट से. कच्चा हाउस आपका बनता है मड और स्ट्रॉ से. जो पक्का हाउस है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कच्चा हाउस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. जो पक्का हाउस है वो सिटीज़ में और टाउन्स में पाया जाता है, एंड कच्चा हाउस इज़ फाउंड इन विलेजेस. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. So for today, this only. You have to complete the question answers in your notebooks, in as well as in good handwriting, and I will send it, attach it with the assignment. You also write down in your notebook and send me the picture of your question answers. So that's all for today, and tomorrow we will continue with the some other houses. That's all for the day. Thank you. Take care.